नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। दक्षिण पश्चिम जिले के सुब्रतो पार्क पुलिस चौकी की टीम ने अपनी शादी से नाराज होकर राजस्थान से भागी एक लड़की और उसके साथ एक लड़के को गिरफ्तार किया। इस मामले में दोनों राजस्थान के झालावाड़ से एक विटारा कार से भागे थे। इस बात की सूचना दिल्ली पुलिस को भी दी गई थी, जिस पर फौरन कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने दोनों को गिरफ्तार करते हुए कार जब्त कर लिया। उनके कब्जे से 2 लाख रुपए नकद और जेवरात बरामद हुए हैं। लड़के की पहचान संदीप के रूप में हुई है, जो लड़के के गांव का ही रहने वाला है। आरोप है कि उसने लड़के को उसके घर से अगवा किया था। दिल्ली पुलिस ने मामले की सूचना राजस्थान पुलिस को भी दे दी है। इस बारे में शुक्रवार को पुलिस उपायुक्त गौरव शर्मा ने बताया कि दिल्ली कैंट थाने के विजिलेंस स्टाफ को ब्रेजा कार में एक लड़की के अपहरण की सूचना मिली थी। बताया गया था कि एक लड़की को राजस्थान से अपहरण कर दिल्ली ले जाया रहा है। अपहरणकर्ता का नाम संदीप बताया गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसीपी दिलीप सिंह की देखरेख में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें सुब्रतो पार्क चौकी इंचार्ज SI अशोक कुमार, हेड कांस्टेबल कृष्णा और कांस्टेबल बाबूलाल को शामिल किया गया था। आरोपी की कार को रोकने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया। कार पर कड़ी नज़र रखने के लिए टीम का धौला कुआं में बैरिकेड के साथ तैनात किया गया। उनकी तैनाती के करीब 2 घंटे बाद कार को पुलिस टीम ने रिंग रोड धौला कुआं पर देखा। टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए कार का पीछा किया। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर पता चला कि लड़की तो किसी अन्य व्यक्ति के साथ तय शादी से बचने के लिए लड़के के साथ ही घर से भागी है। वह अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है, जबकि उसके माता पिता जबरन शादी कराना चाहते हैं। पुलिस ने दोनों के कब्जे से 2 लाख रुपए नकद और सोने के हार बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपितों के साथ पूछताछ की जा रही है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।